नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट आई में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मीना। मैम कब से जुड़े हो आप डेरा सच्चा सौदा से? पर पिताजी के बारे में। मैम आप इतने लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो, कैसा माहौल देखा है आपने दूसरे गुरु की पीढ़ी से? बहुत अच्छा देख रखे, बहुत बढ़िया माहौल देख रखे मैम। यहाँ जो जो लड़कियां आती हैं यहाँ पर, जो भी महिलाएं या लड़कियां आती हैं, क्या लगता है सुरक्षित है? बहुत बढ़िया, इसे मैं देख के कोई और देश में कटी मैम। मगर मीडिया चैनलों पर आपने देखा होगा क्या कुछ नहीं दिखाया गया आपके गुरु के बारे में, संत जी के बारे में, क्या कहना चाहोगे? मीडिया सारी गलती दिखा रखी है, मालिक को तो सारो सच्चो ही काम है, सच्ची बात है, सब कुछ मांग झूठ है सारी। मैम आप कहते हो कि संत जी मतलब जो बिल्कुल है यहाँ पर सच दिखाया जाता था और लड़कियाँ सेफ हैं, फिर आखिर कौन बदनाम करना चाह रहा है उनको, क्यों बदनाम करना चाह रहा है? मैं बदनाम बांगी सोच है बांगी, सोच में गलती है, सोच में गलती है बांगी, और मालिक की कोई गलती को ना संगत की गलती ना मालिक की गलती। मैम जैसा भी संत जी ने आज बहुत सारे काम चलाए, कौन कौन से काम समाज के लिए चलाए? समाज के लिए खूनदान दिया है, सफाई अभियान चलाया है, सब कुछ सारा मालिक अच्छे के लिए ही चलाया है सारा, बढ़िया बढ़िया। वैश्याओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया है? बेटी बना के वन बसा दी, घर बना दिया वन। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से यही अपील है हमारा, गुरु जी पिताजी जल्दी से जल्दी बाहर आए। आज भी विश्वास करते हो अपने संत पे? पूरा पक्का। क्या कारण है आखिर, क्यों आज भी आप संत जी समाज में नहीं है तब भी आप विश्वास कर मालक के तो ऐसे जज्बो भर रखे सारी दुनिया जो आपको, आप ऑटोमेटिक अंदरों ही आवे, बाहरों को नहीं अंदर में ही आवा है ख्याल, अमंग आवा इसी मालक की तरंग जाने भी देश ने, कद पिताजी आवा कद देश सुधार आवे सुधार में। मैम आप कहते हो कि संत जी ने इतना मतलब अच्छे कार्य करे हैं, लगता है आपको आज समाज में संत जी की जरूरत है? बहुत ज़्यादा जरूरत है। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से यही अपील है अभी जल्दी जल्दी पिताजी बाहर आए, देश ने सुधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनका यही कहना है संत जी ने जो आज तक कार्य करे हैं शायद ही कभी कोई कर पाए, वैश्याओं तक को तारा है। कहते हैं कि महाभारत में महाभारत काल से या जो भी काल हो गए वहाँ पर एक गण का वैश्य भगत बनी और बहुत सारी वैश्याओं को भगत बनाया गया, राम ने भी तारा था उनका नाम जो इतिहास में दर्ज कराया गया था। फिर आखिर सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा इतने सारे वैश्याओं को बेटी माँ बहन का दर्जा दिया है तो आखिर उनका नाम इतिहास में क्यों दर्ज नहीं और उनको बदनाम और किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? क्या क्यों मौन है यहाँ पर लोग, क्यों आखिर मौन है? क्योंकि आज वैश्यावृत्ति जो बढ़ती जा रही है देश में, वो कल किसी की बेटी का भी नाम आ सकता है, किसी की बेटी को भी वैश्या बनाया जा सकता है, जैसे कि दलदल में फंसाया जा रहा है। तो आपका मौन रहना यानी कि आपने अपना समाज गंदा बनाना, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा।